नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहाचार्य भूगोल SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज हम MA फाइनल और ऑनर्स पार्ट सेकंड में बायो ज्योग्राफी के बारे में या जैव भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे कि जैव भूगोल क्या है, जैव भूगोल का क्या अर्थ है, जीवों के क्या भेद होते हैं और जैव भूगोल की क्या परिभाषा है, और परिभाषाओं से फिर हम अगली बार परिभाषाओं को मानक बनाते हुए उसकी विषय वस्तु और उसके अध्ययन क्षेत्र और उसकी शाखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आज की चर्चा जैव भूगोल क्या है, जैव मंडल क्या है, भूगोल के बारे में आपकी जानकारी कितनी है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूँ जैव भूगोल का विकास और उसके अध्ययन क्षेत्र के बारे में। तो पहली हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है ब्रह्मांड में असंख्य आकाशीय पिंड है जिनमें हमारी पृथ्वी भी सम्मिलित है। ये सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर अनुकूल दिशाओं में जीवन पाया जाता है। जीव मंडल अथवा जीवों की उपस्थिति इसे ब्रह्मांड का विशिष्ट ग्रह बनाती है और विज्ञान की प्रगति के साथ साथ हमारे पृथ्वी विषयक ज्ञान में भी धीरे धीरे वृद्धि होती गई। ज्ञान विज्ञान की अनेक शाखाएं पृथ्वी का अध्ययन विविध दृष्टिकोण से करती हैं, इनमें भूगोल भी एक है। भूगोल वह विज्ञान है जो भूपृष्ठ पर अध्ययन या भूपृष्ठ का जो अध्ययन है उसको क्षेत्रीय विभेदीकरण या एरियल डिफरेंशिएशन सहित मानव के निवास स्थल के रूप में करता है कि किस प्रकार मानव इस भूपृष्ठ पर रहता है, उसका कितना वितरण है, उसमें कितना एरियल डिफरेंशिएशन पाया जाता है और इस एरियल डिफरेंशिएशन के कारण हम भूगोल को वितरणों का विज्ञान भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत भू आकृतियाँ, जलवायु, मिट्टियाँ, वनस्पतियाँ, प्राणी उत्पाद, मनुष्य के वितरण और परस्पर संबंधों का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। अर्थात भूगोल मात्र वितरण का अध्ययन नहीं है, अपितु इसमें विभिन्न प्राकृतिक तत्वों के पारस्परिक प्रभावों का भी मुख्यतः अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान के विकास के फलस्वरूप भूगोल में प्राणी एवं वनस्पति वर्ग का अध्ययन व्यापक स्तर पर जीव मंडल के अंतर्गत किया जाता है। अब ये जीव मंडल है क्या, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो जीव मंडल अंग्रेजी भाषा के बायोस्फीयर का हिंदी रूपांतरण है। बायो का अर्थ होता है जीव और स्फीयर का मतलब होता है परिमंडल, उसके आसपास का जो वातावरण है, जो इनमिलियू है, जो उसका सराउंडिंग्स है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीव रहते हैं जीव मंडल कहलाता है। रूसी जीव वैज्ञानिक बर्नार्डस्की ने बायोस्फीयर शब्द का प्रथम बार व्यापक प्रयोग किया। भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार पृथ्वी की सतह अथवा पपड़ी एवं उसका समीपवर्ती वायुमंडल जिसमें जीव पाए जाते हैं, अब वो चाहे अजैविक हो या जैविक हो, वो सब जीव मंडल का अंग कहलाते हैं। जीव मंडल की सीमा उन प्राकृतिक तत्वों या दशाओं की उपस्थिति पर निर्भर करती है जो सजीवों के उत्पन्न होने व जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। जीवों की उपस्थिति स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल तीनों में ही मिलती है। अन्य शब्दों में प्राणी एवं वनस्पति जगत का आवास ही जीव मंडल का विस्तार कहलाता है। समस्त प्रकार के जीवों की उत्पत्ति, विकास, आवास तथा उनके जीवन चक्र को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व जीव मंडल को के घटक कहलाते हैं। अब जीवों के भेद कितने हैं या काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स या लिविंग बींग्स हम किससे समझते हैं या क्या चीज़ है ये,
तो जीव या जीवन किसे माना जाए? पहली बात ये, वैज्ञानिकों के मतानुसार संगठित भू द्रव्य जो ऑर्गेनाइज्ड मैटर होता है कि वह अवस्था जो सदैव सक्रिय परिवर्तनशील होती है जीवन कहलाती है। जीवों की क्रियाशीलता और परिवर्तनशीलता को जैविक क्रिया की संज्ञा भी दी जा सकती है तथा इसके कतिपय लक्षण भी निर्धारित किए गए हैं। इन लक्षणों के आधार पर सजीव व निर्जीव के अंतर को समझा जा सकता है। पहला जो अंग है या पहला जो घटक है या पहला जो लक्षण है वो है श्वसन, फिर दूसरा है पोषण, वृद्धि, गतिशीलता, उत्सर्जन, अनुकूलन व प्रजनन जीवों के प्रमुख लक्षण होते हैं। पौधों में भी प्राणियों की भांति ही क्रियाएं होती हैं, अतः ये भ्रामक तथ्य है कि वनस्पति में जीवन नहीं होता, वनस्पति में भी जीवन मिलता है। जीव जगत में असंख्य पादप व जंतु सम्मिलित होते हैं। अनेक जीव तो इतने छोटे छोटे हैं कि उन्हें सूक्ष्मदृष्टि से ही देखा जा सकता है और कई जीव तो सूक्ष्मदृष्टि से भी नहीं देखे जा सकते। समस्त जीवों को स्थूल रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है, पहला है प्राणी जगत या एनिमल किंगडम और दूसरा है वनस्पति जगत या प्लांट किंगडम। इन बड़े वर्गों को पुनः छोटे छोटे वर्गों व श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं प्राणी विज्ञान व वनस्पति विज्ञान इसका विस्तृत अध्ययन करती हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके जैव भूगोल की जो अवधारणा है वो किस प्रकार की है या किस प्रकार हम जैव भूगोल की अवधारणा को आपके सामने प्रस्तुत करें। जैव भूगोल का जो आप पहले पढ़ चुके हो कि सामान्य अर्थ जैव मंडल है और जैव मंडल के पौधों जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों सहित सभी जीवित जीवों का अध्ययन जैव मंडल में किया जाता है। जैव मंडल पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त जीवन पोषी रक्षक परत है जिसमें पौधों तथा जंतुओं का बिना किसी रक्षा कवच के जीवन संभव होता है। JTV 1982 के आधार पर जैव भूगोल को निम्न रूप से कहा जा सकता है या लिखा जा सकता है या परिभाषित किया जा सकता है कि जैव भूगोल जीव विज्ञान तथा भूगोल दोनों है। इसका अध्ययन क्षेत्र स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जल मंडल और जैव मंडल का जीवों द्वारा वासित क्षेत्र होता है। यदि जैव भूगोल शब्द जीवीय एवं भौगोलिक दोनों से संबंधित है तो प्रश्न उठता है कि दोनों में विभेद कैसे किया जा सकता है। चूंकि जैव मंडल के जीवित जीवों का वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान तथा भूगोल में विभिन्न दृष्टिकोणों तथा संदर्शों के साथ अध्ययन किया जाता है, अतः इन विद्वानों ने जैव भूगोल की अवधारणाओं एवं संकल्पनाओं तथा विषय क्षेत्र में भिन्नताएं बताई हैं। भूगोलवेत्ता वायुमंडल के जीवित जीवों के स्थानिक, स्पेशियल एवं कालिक टेम्पोरल संदर्भ में उद्भव, इवोल्यूशन, विसरण, डिस्पर्जन तथा वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन प्रतिरूपों का अध्ययन करता है तथा इनके वितरण में स्थानिक एवं कालिक विभिन्नताओं की प्रक्रियाओं, प्रोसेसेस एवं कारकों का विश्लेषण करके हमको उसका उत्तर ढूंढने में मदद करता है। जबकि जीव विज्ञानी एकाकी जीवों के शरीर क्रियात्मक, फिजियोलॉजिकल, आकारकीय या मॉर्फोलॉजिकल एवं आचारपरक या बिहेवियरल पक्षों के अध्ययन तक ही सीमित होता है। तो भूगोलवेत्ता पादप एवं जंतु समुदाय के वितरण प्रारूपों के अध्ययन के अलावा उनके दो पक्षों का भी अध्ययन करते हैं। पहला, पादपों एवं जंतुओं के समुदाय स्तर पर जैविक एवं अजैविक संगठकों के बीच घनिष्ठ अंतर संबंधों का अध्ययन करना और दूसरा, मनुष्य एवं जैव मंडल के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन इसमें सम्मिलित किया जाता है। और अगर हम ये देखें, ये यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि जैव भूगोल जीव विज्ञान या भूगोल का एकनिष्ठ क्षेत्र नहीं हो सकता क्योंकि दोनों को सीमाएं काफ़ी हद तक
अतिव्यापित या ओवरलैपिंग होती हैं। अगर हम बात करें भूगोल की परिभाषाओं की, तो जो भूगोल की परिभाषाएं हैं वो हमको किस प्रकार जैव भूगोल को समझने में मदद करती हैं, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ बायोजोग्राफी। जैव भूगोल अंग्रेजी के बायोग्राफी का हिंदी रूपांतरण है, जो मूल रूप से ग्रीक भाषा के बायोस जीवन और जी पृथ्वी और ग्राफिन वर्णन से बना है। भूगोल की एक शाखा के रूप में जैव भूगोल सजीवों तथा भौगोलिक वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है। इसे अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है, कुछ परिभाषाएं हम देख लेते हैं यहाँ पर। पहली जो परिभाषा है वो भूगोल परिभाषा कोष के अनुसार है कि जंतुओं तथा पौधों के भौगोलिक पक्षों के विशेषतः तर्कसंगत वितरण की दृष्टि से अध्ययन को जैव भूगोल कहते हैं। और दूसरी जो परिभाषा है वो जे स्मिथ ने बताई है कि जैव भूगोल भूपृष्ठ पर पादप एवं प्राणियों की विभिन्न जातियों के वितरण का वैज्ञानिक अध्ययन है। तीसरी जो परिभाषा डॉक्टर डडले स्टेम ने बताई वो इस प्रकार है, जैव भूगोल सजीवों प्राणियों तथा वनस्पतियों के भौगोलिक वितरण का ही विज्ञान है। अगली जो परिभाषा है वो एफ जे मॉन्कहाउस की है, जैव भूगोल वनस्पति एवं जंतुओं के भौगोलिक पक्षों विशेषतः युक्तिसंगत वितरण के संदर्भ में अध्ययन है। और अगली जो परिभाषा है वो एच आर मिल की है, जैव भूगोल जंतुओं और वनस्पतियों के वितरण का विज्ञान है। पांचवी परिभाषा अगर हम देखें तो ये है एन पॉलूनियन की, भूगोल की वह शाखा जो विश्व की समस्त प्राणियों एवं वनस्पतियों के संगठन, स्थानीय उत्पादकता व वितरण की क्षेत्रीय विभिन्नताओं एवं समानताओं के अध्ययन से संबंधित है, जैव भूगोल कहलाती है। और अगली जो परिभाषा है वो पी डेंस राव की है, जैव भूगोल प्राणियों एवं पादपों के उद्भव वितरण अनुकूलन एवं साचार्य का जीव मंडल के संदर्भ में अध्ययन होता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो जैव भूगोल की जो विभिन्न शाखाएं हैं वो किस प्रकार अलग अलग विज्ञानों से निकली हैं, और ये विज्ञान जो हैं ये धीरे धीरे हमको ये बताते हैं कि हम किस प्रकार हम जैव मंडल की विभिन्न शाखाओं को विभिन्न तरीके से आपके सामने रख सकते हैं, और उपयुक्त जो भूगोल की परिभाषाएं हैं उनके विवेचनों से ये स्पष्ट हो गया है कि जैव भूगोल की परिभाषा के अनुसार निम्न तत्व हमारे सामने उभर कर या निकल कर सामने आते हैं। ये है पौधों एवं जंतुओं की प्रजाति विविधता तथा उनका वितरण प्रतिरूप। दूसरा, जीवों के विभिन्न वितरण प्रतिरूपों के कारण उनका विश्लेषण एवं व्याख्या। और तीसरा का जो हमको निकल के सामने आता है विवेचना से वो है जीवों के वितरण प्रतिरूपों में विगत कालों में हुए परिवर्तन, वर्तमान में हो रहे परिवर्तन और भविष्य में आने वाले परिवर्तन किस प्रकार होंगे। चौथा, प्रजाति उद्भवन या इवोल्यूशन किस प्रकार हुआ, प्रजातियों में भौगोलिक तथा पारिस्थितिकी विभिन्नताएं किस प्रकार मिलती हैं, प्रजाति का विसरण या डिस्पर्जन या एक जगह से दूसरी जगह किस प्रकार एक प्रजाति दूसरी जगह से एक जगह से फैली और दूसरी जगह जाकर वो वहाँ स्थापित हो गई, और उसका विलोपन या उसका एक्सटिंक्शन किस प्रकार से हुआ, उन सब की जैव भौगोलिक प्रक्रियाएं। और पांचवा है जैव भौगोलिक तत्वों एवं पक्षों के अध्ययन के उपागम, उनके अप्रोचेज भी हमको इन परिभाषाओं से निकल कर सामने आए। पहला अप्रोच जो हम लेंगे वो है पारिस्थितिकीय उपागम, और दूसरी है विकासीय या ऐतिहासिक उपागम। इस प्रकार जैव भूगोल की जो अवधारणा है या उसकी विषय वस्तु है या अध्ययन के उपागम है उपयुक्त विषयों में अलग अलग होते हैं, और इस प्रकार हम जैव भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र और विषय क्षेत्र आगामी कक्षाओं में चर्चा करेंगे तो वो हम आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार हम जैव भूगोल की अध्ययन क्षेत्र में या उसकी विषय वस्तु में या उसकी विवेचना में किस प्रकार से जैव भूगोल के विभिन्न पॉइंट्स को
इन उपागमों के अंतर्गत हम उन संदर्भों में लेते हुए एडजस्ट कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। और तो जैव भूगोल का एक सामान्य खाका हमारे सामने निकल कर ये आता है कि जैव भूगोल में विभिन्न प्रकार की जो प्राणी जगत है और जो वनस्पति जगत है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको मिलते हैं वो किस प्रकार प्रक्रिया करते हैं, हम और मानव के साथ किस प्रकार अंतर संबंधों की व्याख्या करते हैं और किस प्रकार उनमें इवोल्यूशन होता है, उनका डिस्पर्जन होता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और किस प्रकार अंत में उनका एक्सटिंक्शन या विलोपन हो जाता है और किस प्रकार एक जाति दूसरी जाति से अलग मिलती है, ये भी जैव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु है। तो अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे आपके लिए अध्ययन और उसकी विषय वस्तु के बारे में और भूगोल की जो जैव भूगोल की जो शाखाएं हैं उनके बारे में और किस प्रकार अवधारणाएं हमारे सामने निकल कर आती हैं उसके बारे में। धन्यवाद।